राधा जीवन राधा जीवन नीलमणि गो पाल मुरलिया राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले ओ गोपाल मुरलिया वाले रे मेरे श्याम मुरलिया वाले Radha 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 Jeevana Radha Jeevana Radha Jeevana Nilamani Go Kala Muraliya स्नेह लगाएगा जो हरे कृष्ण इसे समझेगा वही रसिकों के समाज में जाएगा जो रसिकों के समाज में जाएगा जो रसिकों के समाज में जाएगा जो रसिकों के प्यारे मेरे श्याम ब्रज धूल लपेट कले किशोरी के गाएगा जो हंसता हुआ श्यामो
मिलेगा उसे निज प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो 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 ओ मेरे श्याम मुरलिया वाले रे नद लाल मुरलिया वाले मेरे श्याम मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले कन्हैया मेरे प्यारे प्रमोद भरा ब्रज धाम में है इतनी छवि राशि अनंत कहां जितनी छवि सुंदर श्याम में है जितनी छवि सुंदर श्याम में जितनी छवि सुंदर श्याम में जितनी छवि सुंदर श्याम में है शशि मेरा सरोज सुधारश में नललाम लताय अभिराम में उतना सुख यार कहीं भी नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में जितना सुख कृष्ण के नाम में ओ मेरे श्याम मुरलिया वाले रे नंद लाल मुरलिया वाले रे मेरे श्याम मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले जय राधा 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 जीवन राधा जीवन राधा जीवन नीलमणि जो श्याम मुरलिया वाले राधा जीवन नीलमणि नंदलाल मुरलिया वाले मेरी श्यामा मेरी राधे किशोरी अपने अमर प्रेम की बस एक ही बूंद पिला दे विरह वेदना सह टूटी अब इन तारों को चमका दे किशोरी इन तारों को चमका दे राधे इन तारों को चमका दे राधे इन तारों को चमका दे मेरी श्यामा मेरी राधे
कबश पड़ा हूँ द्वार पे तेरे, मेरी अर्जी को आगे बढ़ा दे। श्याम सुंदर शो मेरे मिलन की, राधे दो बातें करवा दे, किशोरी मेरी दो बातें करवा दे, राधे मेरी दो बातें करवा दे, राधे मेरी दो बातें करवा दे। हो गोपाल मुरलिया वाले रे नंद लाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले मेरी श्याम मुरलिया वाले, राधा 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 किशोरी मेरी लाडो मेरी प्यारे मेरी राधे, भक्त क्या कहता है राधा रानी से, राधे तेरे चरणों में, एक लाइन इसको भी लगा दो फिर चल। श्यामा तेरे चरणों में राधे, तेरे चरणों में मेरा जीवन बीत गया, राधे तेरे चरणों में मेरा जीवन बीत गया। श्यामा चरणों में मेरा जीवन बीत गया, श्यामा तेरे चरणों में मेरा जीवन बीत गया। फिर भी कृपा से ये दास क्यों वंचित ही रह गया, फिर भी कृपा से दास क्यों वंचित ही रह गया। राधे तेरे चरणों में मेरा जीवन बीत गया, तेरे चरणों में मेरा जीवन बीत गया। श्यामा तेरे
चरणों में मेरा जीवन बीत गया। राधे तेरे चरणों में मेरा जीवन बीत गया, मेरा जीवन बीत गया। आइए आगे के प्रसंग पर चलें। ये तो राधे की ऐसी मस्ती है महाराज, इसमें आ जाओ तो क्या गजब का दर्शन कराया है, कैसा भक्त गिड़गिड़ा रहा अपनी राधे के पास। राधे तेरे चरणों में मेरा जीवन बीत गया, फिर भी कृपा से दास क्यों वंचित ही रह गया। देखो एक विश्वास लेके चलना, मेरी राधे कृपा अवश्य करेगी, मेरा कृष्ण अवश्य कृपा करेगा, इस विश्वास को मत तोड़ना, राधे का नाम मत छोड़ना, उस कृष्ण को आना पड़ेगा। संसारियों के लिए तो बहुत रोए हो, पदार्थों के लिए बहुत रोए हो, कभी अपने प्रियतम के लिए दो आंसू गिरा के दिखाओ। कबीर जी ने यही तो कहा था, सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। मीरा रात्र भर रोती रहती थी, जिस बिस्तर पर सिराने पर सिर रख के सोती थी, सुबह इसको निचोड़ना पड़ता था अपने प्रियतम के लिए। वो रोती थी, मैं कितनी अभागन हूं कि बाकी तो आंख बंद करने के बाद अपने पतियों को खोती हैं, और मेरी दोनों आंख खुली है फिर भी मेरा पति मुझसे दूर है। मीरा का पति कौन है? गिरधर। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। सोली ऊपर सेज पिया की, किस विधि मिलना हो। राजस्थान की भाषा में मेड़ता में जाओ, देखो महाराज क्या विलक्षणता है। आज भी आप वहां जाकर के देखो तो मीरा की दृष्टि भगवान के विग्रह की ओर है, और भगवान के विग्रह की दृष्टि मीरा की ओर जो प्रतिमा है उसमें भी अंतर है। किसी दिशा में कहीं खड़े होकर देखो एकदम दृष्टि से, हमारी भी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए। तो आइए हम लोग पंचम स्कंद की कथा में प्रवेश करें, कथाओं का सांकेतिक दर्शन करते हुए आगे चलेंगे, आगे प्रभु की जैसी इच्छा। मनु जी के दूसरे बेटे हैं प्रियव्रत। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, प्रियव्रतो भागवतो आत्मा रामः कथं मुने गृहे रमतयन मूलः कर्मबन्धा परा भवः
प्रिय व्रत के राज्य में अंधकार नहीं आया। व्रत का मतलब संकल्प, जिसके जीवन का संकल्प प्रिय होता है वहां किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं आती। गृहस्थ में आने को तैयार नहीं थे, माता पिता परेशान हुए, ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा देखो जाओ नारद के पास, गुरुदेव समझाएंगे तो ये बात मान लेंगे। प्रियव्रत के जीवन में अंधकार क्यों नहीं आया? क्योंकि प्रियव्रत अपने गुरुदेव के परम भक्त थे। गुरुदेव के मुख से जो निकल गया वही करना है, यह है गुरु भक्ति। और शिष्य के मुख से जो निकल जाए फिर वो गुरु करे, यह है शिष्य भक्ति। भक्ति दोनों है, शिष्य भक्ति भी गुरु भक्ति भी है। भाई चेले जो कहेंगे जब गुरु कर लेंगे, शिष्य भक्ति हो जाएगी, चेले प्रसन्न हो जाएंगे तो गुरु जी को बार बार बुलाएंगे, लिफाफा मोटा कर देंगे। और गुरु कहेंगे और कहीं चेले के मन के अनुकूल बात ना हुई तो कह देगा गलत, हमें ना गुरु की सुनना है ना गोविंद की सुनना, मैं तो अपना सुनूंगा। लेकिन जो मरीज डॉक्टर के पास जाकर डॉक्टर के नहीं सुनता अपनी सुनाता है, उसकी बीमारी कभी दूर नहीं होती। लेकिन जो जाने के बाद केवल डॉक्टर की सुनता है उसके पास कभी बीमारी नहीं होती। जो शिष्य अपने गुरु के शरण में जाकर केवल गुरु की सुनेगा उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन जो सुनने का आदि नहीं सुनाने का होगा उसके पास से कभी समस्या दूर नहीं होगी। ये दोनों का अंतर। प्रियव्रत ऐसे परम भक्त थे, नारद जी जो कह दे वही करना। विवाह के लिए मना कर रहे थे, नारद जी ने कहा बेटा विवाह करवाना, ठीक गुरुदेव आपकी जो आज्ञा। और एक नहीं दो दो विवाह का वर्णन हो गया। फिर विश्वकर्मा की पुत्री के साथ संबंध हुआ, 10 बालक एक बालिका का वर्णन। दूसरे विवाह में 3 बेटे आए जो मनमंत्र जिनके नाम से चले, 3 तो चले गए निवृत्ति मार्ग में, 7 प्रवृत्ति मार्ग में थे। तो प्रियव्रत जी इस भूमंडल को 7 भागों में विभक्त किए हैं, ये सारा विश्व भारत वर्ष था महाराज। प्रियव्रत के रथ के चाक से जो गड्ढा हुआ वो इस सागर का आ गया है। इतने देश इतने टुकड़े हो गए, ये सब पूरा भारत वर्ष था। यहां पर अपने बेटे अग्निद्र को राज्यपाट सौंपे थे, बड़े बेटे थे अग्निद्र, जम्बू द्वीप इसको बोलते हैं, उनको सौंपे थे। लेकिन जब बेटे लायक हुए तो बच्चों को राज्यपाट सौंप के चले गए भजन करने। एक बार मन जहां लग गया लग गया, मन लगा मेरा यार फकीरी में, जो सुख पावो राम भजन में वो सुख नाही अमीरी में। प्रियव्रत निवृत्ति मार्ग में चले गए, उनके बेटे आग्नेन्द्र चित्त नाम के अप्सरा के साथ उनका संबंध, उनके यहां ना भी आए। जब ना भी लायक हुए तो भी राज्यपाट छोड़ के चले गए, ना भी क्या कोई संतान नहीं, ब्राह्मण भक्त थे। यज्ञ किए भगवान का प्राकट्य क्या चाहिए, जो ब्राह्मण देवता दे दे वही चाहिए। प्रभु आपके समान पुत्र भगवान ने कहा मेरे समान तो कोई है ही नहीं, मैं ही आता हूं। ऋषभ के रूप में भगवान का हंस अवतार हुआ, इंद्र को ईर्ष्या हो गई। ये अनादिकाल का क्रम है, अनादिकाल का क्रम है। श्रोताओं ईर्ष्या आज की बात नहीं है, देवताओं को होती थी, मानव को हो जाए तो अच्छा। सबसे बड़ी समस्या किसकी होती है? पूंछ की। सबसे बड़ी समस्या पूंछ की है। ये पूंछ जो है ना ये परेशान कर रखी लोगों। और हनुमंतलाल की पूंछ में ही आग लगाने का प्रयास किया था कौन? रावण। लेकिन पूंछ जली तो नहीं, जो जलाने का प्रयास किया उसकी दुर्गति हो गई, उसकी दुर्गति हो गई। और आप लोगों को शायद एक प्रसंग ज्ञात होगा, कथानक में सुनते रहते हैं,
एक बार रावण भी हनुमंत लाल की पूंछ को उखाड़ने का प्रयास किया था, पता है कि नहीं ये प्रसंग? नहीं, ये प्रसंग तो है, हनुमंत लाल की पूंछ को देखो, जब अब 5 मिनट इस पर ठहर जाते फिर आगे चलते, घड़ी देख के चल रहे हैं, चिंता की बात नहीं। आज तो हमारे कन्हैया के सब रसिक भक्त लोग आ रहे हैं, अच्छी बात है। हमारे प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान, थोड़ा ध्यान सुनना इस प्रसंग को। जब लंका दहन किए तो लंका दहन से रावण को पूंछ के नाम से नफरत होगी, क्योंकि हनुमान जी की पूंछ की बात करे तो वो अच्छा, पूंछ से नफरत हर किसी को है, थोड़ा ध्यान सुनना, पूंछ से नफरत हर किसी को है, गुरुजी हमारी तो कोई पूंछ ही नहीं है। अब कोई नहीं पूछा, बोले हमारी तो कोई पूंछ ही नहीं है, अब पूछ लिया, अरे उसकी तो बड़ी पूंछ है, अब बड़ी पूंछ है तो भी समस्या है और नहीं है तो भी समस्या है, क्या करें, हम तो पीछे पीछे लगे रहते हैं महाराज, हमारी तो कोई पूंछ ही नहीं। अरे पगले, पूंछ किसके होती है बता? दो की बड़ी समस्या है, पूंछ की और मूंछ की। ये बड़ी समस्या। अब रावण को हनुमंत लाल की पूंछ से बड़ी नफरत, मैं जो बताने जा रहा था संकेत में बता दूंगा, इसका वर्णन हनुमान चालीसा में है। हनुमान चालीसा, यदि 7 दिन बैठ के हनुमान चालीसा सुनो तब भी उसकी व्याख्या पूर्ण नहीं हो पाएगी, आपको देखने में छोटा लगता होगा, इतनी गजब की उसकी व्याख्या, क्या दर्शन उसने भी कराया है, एक एक प्रसंगों पर क्या मस्ती है। अब रावण के सामने कोई हनुमंत लाल की पूंछ की बात करे तो वो खबरदार, उसकी पूंछ के कोई नाम लिया। एक बार कहता है कि जाओ उसकी पूंछ उखाड़ के लाओ या काट के लाओ, जैसे मर्जी लाओ। और भेजा किसको? रावण के पास एक सेना थी, अमर सेना, जिसको ही मार नहीं सकता था। हनुमंत लाल के पास पहुंचे, हनुमंत लाल जी ने कहा चलो आए हो तो अब मैं ऐसी जगह भेजूंगा तुमको ना, इधर के रहोगे ना, तो पूंछ में लपेट कर उस सेना को ऐसे भेज दिए कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से ऊपर। अब जो उसके गुप्तचर थे, संवाददाता थे रावण के, आए, क्या हुआ उसकी पूंछ का, सेना कहां? अरे महाराज पूंछ तो वही है पर सेना का पता ही नहीं। अरे अमर सेना का क्या हुआ? बोले वो गई। कहां गई? बोले ये पता नहीं कहां गई। फिर कई बार युद्ध का वर्णन आया उसमें, कोई एक बार दो बार नहीं, हाथी घोड़े से पैदल सैनिक आए। हनुमंत लाल के सामने जब ऐसी स्थिति आई तो लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु श्री राम से, प्रभु अरे हनुमंत लाल तो अकेले हैं। राम जी ने कहा मुस्कुरा के आनंद लो। अब हाथी वाले जा रहे हैं तो हाथी को उठा के हाथी पर पटक देते हैं, और वैसे एक एक को मारेंगे तो टाइम लगेगा, पर हाथी पर हाथी पटकेंगे तो हाथी पर हाथी पटक दिए, घोड़ा पर घोड़ा, जो बेचारे पीछे से आए थे तो वो पूंछ में लपेटे सबको। अच्छा पूंछ की समस्या यह है कि उसका अंदाजा हो कितनी छोटी कितनी बड़ी है, तो उसके अनुपात से जाए, उसका यही पता नहीं कितनी छोटी और कितनी बड़ी है। रावण खुद पहुंचा, हनुमंत लाल जी समझ गए रावण आ गया, तो जैसे ही रावण पूंछ पकड़ा उखाड़ने के लिए, हनुमंत लाल बड़े वेग से आकाश मार के उड़ पड़े। अब रावण पूंछ पकड़ के लटक गया, अब तो प्रार्थना करता है कि हे प्रभु न ये पूंछ टूटे न पूंछ छूटे। क्यों? टूटे तो मैं गिरता हूं, छूटे तो वही समस्या है महाराज, ये पूंछ के चक्कर में जो पड़ते हैं ना, फिर पूंछ पकड़ भी लिए तो फिर डर है टूट गई तो समस्या, छूट गई
तो ज्यादा इसके प्रपंच में पढ़ना नहीं चाहिए, और इसके चक्कर में पढ़ेंगे तो ईर्ष्या का भाव तो आएगा। इंद्र को ईर्ष्या हुई, वर्षा बंद करा दिए, ऋषभ जी अपने तपोबल से बरसात करवाए, इंद्र लज्जित हुए। अपनी बेटी जयंती का विवाह, 100 पुत्रों का वर्णन, बड़े बेटे का नाम था भरत, बच्चों को बैठाकर उपदेशित करते हैं। माता पिता का धर्म है बच्चों को उपदेशित करना। भरत जी ने कहा, हे पिताजी, आप किस सुख की बात करते हैं, किस रस की बात करते हैं, आपके पास कौन सा सुख नहीं है? सारे भूमंडल का राज्य सुख आपके पास है, आपके बेटे सबके सब सुयोग्य हैं, आपका शरीर निरोग्य है, और मेरी मां भी 100 बच्चों को जन्म देने के बाद भी 16 वर्ष की, इससे बड़ा कोई सुख होता है क्या? तब ऋषभ जी बड़ा सुंदर उत्तर दिए, क्या कहते हैं सुनिए। नायम देहो देह भाजामृलोके कष्टान कामान रहते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन शत्वम् सुद्येद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम्। ऐ बेटा, आप जिस सुख की बात कर रहे हो, ये सुख तो पशु योनि में ही मिल गया है, मिल जाता है, बच्चों का प्यार, विषय भोग, खाना पीना सब वहां भी है। ये जो तन मिला है, ये जो हाथ मिले हैं, ये हाथ किसके लिए मिले हैं? संतों की सेवा, प्रभु की सेवा के लिए। पैर मिले हैं भगवत दर्शन के लिए, तीर्थ सत्संग में जाने के लिए। कान मिले हैं भगवत कथामृत रसपान करने के लिए। रसनेन्द्रिय मिली है भगवान नाम का गुणानुवाद गाने के लिए। और फिर जिस सुख की बात करते हो, ये सुख माया में जो दिखाई पड़ता है, आनंद सिंधु का एक बिंदु है, और ये सुख तो दाद खाज खुजली के समान है। आपको अनंत सुख चाहिए, अपने आप को तपाओ। जब तपाओगे मन वाणी कर्म से, तो आपका प्रेम होगा भगवान से। किससे प्रेम होगा? भगवान से। जब भगवान से प्रेम होगा तो आपका कल्याण हो जाएगा, और जब तक आपका प्रेम भगवान से नहीं है, तब तक आपका कल्याण होने वाला क्यों? हम संसार में जिससे भी प्रेम कर रहे हैं, ये सब छूटने वाले हैं, या तो वो छोड़ेंगे या उनको हम छोड़ देंगे। चाहे किसी से किसी का प्रेम हो संसार में, कोई साथ किसी के जाने वाला, बोले महाराज और कोई जाए न जाए, पर पति पत्नी तो 7 जन्म तक साथ रहते कि नहीं? गंगा जी में कितने जन्म का साथ मांगते हैं? 7 जन्म का, और रहते एक जन्म में साथ नहीं। पति का शरीर अलग छूटता है, पत्नी का, दोनों एक साथ तो नहीं जाते कभी, ये कैसा साथ? तो हाथ हो भगवान का, पाथ हो भगवान का, साथ हो भगवान का। मन वाणी कर्म से जब आपका भगवान से प्रेम होगा, तो देह गेह के बंधन से मुक्ति होगी, बेटा आपका कल्याण हो जाएगा। और गुरु वही है जो अपने शिष्य को अज्ञानांधकार से दूर कर दे, वही माता पिता है जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा दे। ऋषभ जी चले गए निवृत्ति मार्ग में, भरत जी पिता के मार्ग का अनुसरण किए, गंडकी नदी के किनारे सूर्यार्घ दे रहे थे। मृग के बालक को देखकर दया गई, जीव मात्र पर दया करना अच्छी बात है श्रोताओ, हमारा धर्म दया करना, लेकिन दया के साथ अहंकार का अंकुर नहीं आना चाहिए। यह मत सोच लेना कि मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। जिस दिन ऐसा भाव आ जाएगा कि मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, तो समस्या आ जाएगी। क्यों?
देखो हम और आप जब तक नहीं थे तब तक जिस परिवार में है वो परिवार चलता था, और नहीं रहेंगे तब भी परिवार, ये देश पहले भी चलता था, आज भी चल रहा और आगे भी चलता, हमारे आपके आने जाने से कुछ होने वाला नहीं। जो देश चलाने का ठेका लेते थे अपना शरीर चलाने के लिए घुटना बदलवाते थे, देश चलाने का ठेका लेते थे और स्वयं को चलाने के लिए घुटने बदलवाते थे। तो जो शरीर को नहीं चला सकते वो देश को क्या चलाएंगे, इसको चलाने वाला प्रभु है। जब जिसको निमित्त बना देता है, जिसको जहां जैसा बैठा देता है, अब निमित्त कोई कहे कि मैं ही मालिक हूं वही उसकी बोले, इनके अंदर अहंकार का अंकुर आ गया। उस मृग के बच्चे के चक्कर में ऐसे भटके आए थे, हरिभजन को उठन लगे, शरीर छूटा, मृग बनना पड़ा, लेकिन अपना पूर्वजन्म को याद था, उस शरीर का त्याग कर ब्राह्मण बालक बने। इस बार संकल्प कर लिया मुझे कुछ बोलना ही नहीं। साधक लोग ज्यादा बोलते नहीं, ज्यादा बोलने वाला फिर फंस जाता है। एक बार एक संत पहुंचे प्रभु के पास, अरे प्रभु सब पर दया कर दो ना। भगवान ने कहा इसका ठेका तुम्हारे पास नहीं बाबा, भजन करो। नहीं माने, भगवान ने कहा चलो इसकी दुर्गति कराएंगे तभी ये मानेगा, तो क्या चाहिए, ऐसी शक्ति दो महाराज की मैं जिसके जो कह दूं वो हो जाए। भगवान ने कहा ठीक, आपके रक्त में इतनी शक्ति आ जाएगी किसी कोई तकलीफ हो एक बूंद छोड़ दो ठीक हो जाएगा। अब बाबा सोचा पहले इसका प्रैक्टिकल कर लो, पहुंचे प्रणाम करने प्रभात फेरी में, संत लोग प्रभात फेरी में जाते हैं तो प्रणाम भी करते हैं। संतों का भाव क्या है कि संतों को ही नहीं असंत को भी प्रणाम करना चाहिए। तुलसी जी ने पहले किसको नमन किया है, जो उपद्रवी उनको याद पहले प्रणाम किया है, भक्तों को बाद में, क्यों, उपद्रवी शांत रहेंगे तो हम भक्ति आराम से कर लेंगे, इनको पहले शांत कर, इनमें छीटा मार दो बैठ जाए शांत तो आराम से भजन कर लोगे, अनि भजन करने बैठोगे तो स्विच भाते रहेंगे। अब बाबा जी पहुंचे गांव में, कौन सा गांव था, राजस्थान का था कि दिल्ली का था कि किस प्रांत का, उस गांव का नाम न लें क्योंकि सब जगह के लोग बैठे हैं यहां, ऐसे नहीं। पहुंचे एक माई अपने पोते को लेकर, अच्छा पोते से ज्यादा प्यार होता है बेटे को गोद में भले ले, पर पोते को तो कि नहीं, मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। वैसे भी पिता अपने पुत्र को उठाए गोद में या ना उठाए, पर पोते को लेकर सही है ना। अब यहां जो दादाजी लोग बैठे हैं सबको अपना अपना पोता याद आ गया होगा, दादियां जो बैठी हैं, दादा लोग बैठे सब, या जो बनने वाले होंगे वो भी लालायित होंगे, वो जल्दी बने हम रसगुल्ला खाएं, वो खा लिया हम वंचित है। पर ये ऐसा रसगुल्ला खाओ तो पश्चाताप करना, ना खाओ तो पश्चाताप करना, धर्म समझ। अब वो माई अपने पोते को लेकर संत को भिक्षा देने के लिए आई, जब भिक्षा देने के लिए आई तो उस बालक को बीमारी थी, सूखा रोग, माई बहुत परेशान थी, अनेक उपाय की लेकिन बीमारी दूर नहीं हुई। अब उनके अंदर तो अहंकार था कि मेरे पास तो शक्ति है, प्रभु मुस्कुराए, अभी तेरी शक्ति और भक्ति के पता चल जाएगा। जैसे ही संत देखे, माई इसको क्या हुआ महाराज क्या बताएं, अनेक प्रकार से औषधि का सेवन करवा बीमारी दूर, अच्छा एक सुई लाओ, क्यों, अरे लाओ तो सही। अब बाबा के अंदर अहंकार था, सुई चुभाए थोड़ा फर्क तुम्हारे छूटा बालक ठीक। अब बाबा जी का अहंकार और मैं तो, लेकिन परिणाम क्या हुआ, उस गांव के लोग बड़े समझदार थे, पता नहीं हरियाणा के तो नहीं थे कि कहां के, कोई स्टेट के तो रहे होंगे भाई, कोई प्रदेश के रहे होंगे, इसलिए किसी प्रदेश का नाम नहीं ले रहा मैं, पर बड़े मजबूत थे, तंदुरुस्त हृष्ट पुष्ट अच्छे लंबे खट्टे कट्टे, ये कहां के होते हैं सबको पता, मैं नहीं बताऊंगा। अब बाबा जी
जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठे। तब तक पड़ोसी ने पूछा उस माई से, अरे ये आपके बालक की बीमारी कैसे दूर हुई? अरे क्या बताऊं, एक संत आए तो क्या किए, सुई मंगाए, चुभा के रक्त का छीटा दिए। और अरे संत के रक्त में इतनी ताकत? बोले हाँ। तो बाबा को पहचानते? बोले बिल्कुल। है कहाँ? बोले गांव के बाहर बैठा। अब जितने गांव के लोग थे सब अपने अपने लिए एक शीशी और सुई चल पड़े बाबा जी के पास। बाबा जी बहुत दया कर रहे थे, भगवान ने कहा कर लो दया। जैसे पहुंचे बाबा जी ने सोचा मैं प्रतिष्ठित हो गया, हम बड़ी भीड़ आ रही है, ज्यादा भीड़ के चक्कर में भी कई बार भटक जाता मानव। भीड़ होना अच्छी बात है, फिर ऐसी भीड़ ना हो कभी भटका दे। अब सोचे भीड़ भाड़ आ रही, सम्मान हमारा हो रहा। अब जैसे ही देखे कि एक सुई और सीसी ये क्या लेके आए, क्या बात है? अरे बाबा मत छुपाओ, हम समझ गए आपके रक्त में बड़ी ताकत है। तो क्या हुआ, आपका बेटा बीमार है? अरे बीमार तो नहीं है, पर मान लो कल बीमारी लग जाए और आप लोगों का क्या भरोसा? बाबाओं का कोई भरोसा नहीं आज यहां, तो क्या करोगे? थोड़ा सा रक्त मुझे भी दे दो। तो बाबा जी ने कहा इतने सारे लोग हो, थोड़ा थोड़ा रक्त लोगे तो मेरा क्या होगा? बोले बाबा तेरा क्या होगा मुझे नहीं पता, मेरा क्या होगा मुझे यह पता है। अब बाबा जी बेचारे भाग दिए, पर अब कितना भाग के जाते, ताकत तो थी नहीं ज्यादा। दो चार नौजवान थे हृष्ट पुष्ट, बाबा को पकड़ लिए। अब बाबा को पकड़ के ले गए एक वृक्ष में बांध दिए, और जब वृक्ष में बांधे बाबा जी चिल्ला रहे हैं, अब वो लगा लगा के सुई अपना अपना सीसी। भगवान ने कहा और दया कर लो। तो देखो ये दया भी कई बार आफत बन जाती है, तो ऐसी दया भी मत किया करो। ऐसे भक्ताएं तो राम राम कर लो, बोले बाबा मुझे नहीं पता। तो पता चल जाता कौन सुई सीसी वाला है। कई लोगों के शब्दों में इतना रस होता है कि उनके शब्दों को सुनने के बाद सुई की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, आधा रक्त तो इसे निकाल लेते हैं। अब इनको आ गई मृग के बच्चे पर दया, तो मृग बनना पड़ा था। इसीलिए इस बार संकल्प कर लिए कि अब मुझे ना कुछ बोलना, ना ज्यादा बोलना भी अच्छी बात नहीं है। जड़ भरत जी संकल्प कर लिए इस बार मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। माता पिता बहुत परेशान हो गए, संसार की दृष्टि में पागल है, इनके साथ कौन बेटी का विवाह करे। माता पिता किसी के जीवन पर्यंत रहते नहीं। माता पिता का शरीर शांत हुआ, भाई लोग बाकी कार्य करते हैं, बैठे बैठे खाते हैं भोजन भट्टे। अच्छा कई लोग खाने वाले भी बड़े मास्टर होते हैं, जहां खाते वहीं लुढ़क जाते हैं, खाने के लिए पैदा होते। एक सज्जन मिले थे, भगवान की कृपा दोबारा दर्शन नहीं हुआ उनका, मैं हाथ जोड़ा था दोबारा दर्शन न देना। ज्यादा कद बड़ा नहीं था उनका, मुश्किल से 5.5 फुट रहा होगा, दुबला पतला। लेकिन जब प्रसाद पाने के बैठे तो 10-12 पंडितों के लिए प्रसाद बना हुआ था, यज्ञ चल रहा था, यज्ञ का कार्यक्रम प्रवचन यज्ञ। तो ये हुआ कि ब्राह्मण भूखा है इसको खिला दो, लेकिन वहां रसोई जो बनाता था वो जानता था, बोले इनको मत खिलाओ, अरे बाकी ब्राह्मणों का व्रत हो जाएगा। बोले अरे क्या कर रहा है, कितना खाएगा महाराज? 10-12 पंडितों का प्रसाद बना था, वो व्यक्ति बैठा अकेले छट कर गया। रसोईया भी खिसी आ गया, बोले आज ऐसा खिलाऊंगा कि दोबारा नहीं कहोगे इसको खिलाओ। ना वो मना करे और ना ये भी, सारा का सारा प्रसाद पा गया, 12 आदमी की खुराक खा लिया। बोले हाँ आज कुछ चकाचक। अच्छा ऐसा व्यक्ति आप लोगों के पास आ जाए तो कितने दिन खिलाओगे? कितने दिन खिलाओगे? ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं महाराज, भोजन भट्ट खाए पड़े किसी काम के नहीं। लेकिन आप लोग तो काम के हो। अच्छा एक बात बताओ, जो किसी काम का ना हो व्यक्ति उसको तो नहीं अपने पास रखना चाहिए कि नहीं?
जो किसी काम का ना उसका साथ नहीं करना चाहिए ना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो किसी काम का नहीं होता वो राम का जरूर होता है। और हम साथ किसका करते हैं, जो हमारे किसका है, जो काम का है उसका साथ करते हैं, और जो राम का है उससे दूर से नमस्कार करते हैं। क्यों? अरे ये आदमी हमारे काम का है। कई बार हमारे भाई लोग बैठते हैं, जब आते हैं मिलने इधर उधर, अरे उस व्यक्ति से तो मैं इसलिए जुड़ा हूं कि हमारे काम का है। अच्छा चलो, बड़े समझदार हो, पर कभी ये कह देते कि ये राम का है इसलिए जुड़ा हूं, तो आपका भी कल्याण हो जाता। सुख की जड़ है राम और दुख की जड़ है काम, यही दोनों अंतर है। तो भोजन भट्ट जो होते हैं सब ऐसे नहीं होते, कुछ राम के नाम के भी होते हैं। एक बड़ा भोला भाला भगत था महाराज, दो मिनट में उसकी बात करके चलता हूं। अब वो खाए लुढ़क जाए, अच्छा भारी भरकम शरीर, घर के सब परेशान उससे, अच्छा ऐसे व्यक्ति को कोई रखना भी नहीं चाहता, और बीमारी भी कुछ नहीं थी, अच्छा मोटा तगड़ा था। एक बार कहीं वो चला गया टहलने, जाता भी नहीं था, एक बार चला गया तो देखा तो उसके बड़े भाई मिले, 10-12 महात्मा, अच्छे मोटे तगड़े। उसने सोचा, अरे ये तो सब हमारे जैसे हैं, यहां जरूर ज्यादा खाने को मिलता होगा, यहां जरूर खाने को मिलता होगा। अब गया गुरुदेव के पास, जो वहां के गुरु थे, महाराज ये टीम हमको अच्छी लगी, मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूं। बाबा जी ने कहा चलो, पर एक शर्त है, भोजन हां दोनों टाइम मिलेगा, पर एक पंगत में मेरा काम नहीं चलेगा, कम से कम 3 पंगत। हां कोई बात, बोला ये अच्छा है, घर से चला गया। अब 3 पंगत में, 3 पंगत उठ जाओ अकेला बना चलाता रहता, बोले सब जाते रहो कोई चिंता नहीं। अब एकादशी तिथि आई, एकादशी तिथि में एक समस्या होगी, रसोई में कोई हलचल नहीं, अब उसके पेट में हलचल। गया गुरुदेव के पास, महाराज ये बताओ आज एकादशी तो नहीं है ना? अच्छा है, ओ ये समस्या। अब आई एकादशी तिथि, एकादशी तिथि में रसोई में कोई हलचल नहीं, बेचारा परेशान, रसोई बनाने में क्यों भाई आज क्या है, क्यों विलंब क्यों प्रसाद में, आज कुछ नहीं बनेगा, क्यों कुछ नहीं बनेगा, मैं तो बगैर भोजन के जी नहीं सकता, मैं तो जी नहीं सकता। अब परेशान भागा भागा गुरुजी के पास गया, गुरुजी ने कहा आज एकादशी व्रत करना है। बोले महाराज ये व्रत क्या होता है, देखो मैं पहले से निवेदन किया था मुझे 3 पंगत, ये व्रतवत मेरे बस की ना है। अब जब जिद किया रोने लगा, तो गुरुजी ने कहा अच्छा भाई इसको राशन दे दो, यहां तो बनेगा नहीं, जा नदी के किनारे बना के खा ले, या नहीं बनेगा। अब 3 पंगत के हिसाब से आटा लिया, सब्जी वब्जी लेके चला गया। अब बनाता तो नहीं था, पर अब मरता क्या ना करता। लेकिन गुरुजी ने कह दिया था एक काम करना, खाता था लेकिन था बड़ा भोला, बड़ा सरल, मैं जो बताना चाहता हूं बड़ा सरल था। गुरुजी ने कह दिया था बेटा खाने के पहले भगवान को खिला के खाना, अब प्रसाद जैसे तैसे बनाया, अब रखा, आओ पधारो महाराज खाओ। राम जी को बुलाया, राम जी का भक्त था, आओ राम जी, नहीं आए तो बोले एक बात सुन लो, ज्यादा वो दिखाओगे ना अपनी बोसगिरी तो वहां रसोई में कुछ नहीं है, आज भूखे ही रह जाओगे, वहां रसोई में कुछ होता तो मैं हाथ न जलाता, तो कुछ खाना हो तो चले आओ, अब बैठे रहना बैठे रहो। उसके शब्दों से द्रवित होकर हमारे प्रभु सरल भाव भक्त को देख के बुलाया राम जी को, आगे जानकी जी साथ में। अब बेचारा ये भगवान, एक को तो सोचे थे जैसे तैसे दे देते, ये 2 आ गए, अब मेरा क्या होगा, अब उसको इसकी खुशी नहीं है, मेरा क्या होगा। अब आए हो तो लो, राम जी को खिलाया, जानकी जी को खिलाया, अब परोस तो रहा, थोड़ा हमारे लिए भी दया करना, हम जिसको छोड़ के वहां भागे कहीं ऐसा यहां ना हो जाए।
राम जी मुस्कुराए, क्या करूं ऐसा प्रसाद तो मुझे कभी कभी मिलता है। राम सीता को खिलाए। अच्छा महाराज एक बात बताओ, अगली एकादशी 15 दिन बाद फिर आएगी, कितने लोग आओगे बता दो, हम एक को बुलाए दो आए, और कहीं ऐसा ना हो कि मैं दो को बुलाऊं आप तीन आ जाओ तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा, ये पहले बता दो। भगवान ने कहा जितने को बुलाओगे उतने आएंगे। ठीक है, अब आया, फिर एकादशी आई। जब एकादशी आई गुरुजी से कहता महाराज इस बार 3 पंगत में काम नहीं चलेगा, फिर 5 क्यों, एक को बुलाए 2 आए थे, आपने कहा था भगवान को राम जी को बुलाना तो माता जी भी साथ आ गए। अब गुरुदेव को हंसी आई कि हम भोग लगाए आज तक कभी नहीं आए, वहां कैसे आओगे। अच्छा भाई इसको दे दो, इस बार प्रभु क्या लीला किए, जैसे प्रसाद बना के प्रार्थना किया तो भगवान इस बार 4 आ गए। आप परेशान हो गया, एक को बुलाए 2 आए, 2 को बुलाए 4 आए, इस बार कौन आ गया, राम लक्ष्मण जानकी और साथ में हनुमान जी। पर अब बुलाए हैं तो महाराज थोड़ा सा बचा देने मेरे लिए भी। अच्छा एक बात बताओ, अगली एकादशी में कितने आओगे ये बता दो, कितने आओगे। भगवान मुस्कुराए, बोले हमको कुछ बोले नहीं, पर इस बार ये कहता है कि एक बात ध्यान रखना, हमसे चालाकी करते हो अगली बार करूंगा मैं भी ऐसे। अब गुरुजी से कहता महाराज अब 5 में काम नहीं चलेगा, क्यों अब 8 कर दो, क्यों पहले एक को बुलाए 2 आए, 2 को बुलाए 4 आए, अब इस बार कहीं वो पिता ने कितने आ जाए। गुरुजी ने सोचा करता क्या है, क्या करता है। अच्छा भाई तू ले जा, अब वो राशन ले गया 8 के हिसाब से, और भगवान इस बार ये चतुराई क्या किया, प्रसाद बनाया नहीं, बोले पहले देख लू आते कितने, सामग्री लाग रख लिया, लगा बुलाने, आओ राम जी पधारो राम जी, रुचि रुचि भोग लगाओ राम, आओ राम जी पधारो राम जी, रुचि रुचि भोग लगाओ राम जी। अब जब ये बुलाया तो हमारे प्रभु भी बड़े कौतुकी हैं, इस बार पूरा राम दरबार आ गया। राम दरबार में कौन कौन आ गए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जानकी जी हनुमान जी, और इतने नहीं मांडवी फृतकीर्ति उर्मिला और सबके 2-2 बेटे। आप वो देख के घबरा गया, अब तो कुछ नहीं मिलेगा, अब कुछ नहीं बचेगा। पर कहता है एक बात सुन लो, मैं तो बुला लिया हूं पर इस बार प्रसाद बनाया नहीं, अब आप बनाओ, अब आप बनाओ, अब मैं भी खाऊंगा। तब वहां भगवान भरत लक्ष्मण हनुमान को जानकी जी को अलग अलग कार्य सौंपे, दिव्य प्रसाद बन रहा, राम जी मुस्कुरा रहे हैं, बस आप यही बोलते रहे। इतने में गुरुदेव आ गए। जब गुरुदेव आए, गुरुदेव को केवल शिष्य दिखाई पड़ रहा, बाकी कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। गुरुदेव ने कहा अरे तू कहता पूरा परिवार आता है यहां, तो कोई नहीं तू अकेला है। अरे गुरुदेव अरे यहां एक नहीं, इस बार तो गिनती गिन लो कितने हैं, पूरा परिवार आया इनका। लेकिन गुरु को दिखाई नहीं पड़ रहे थे, शिष्य को तो दिखाई पड़ रहे थे पर गुरु को दिखाई नहीं पड़ रहे थे। गुरु ज्ञानी तो थे लेकिन सरल नहीं थे। भगवान को पाना है तो सरल और सहज होना पड़ेगा। अब जब गुरुदेव परेशान हुए तो भक्त रो पड़ा, प्रभु आप मेरे गुरुदेव को भी दर्शन दे दो।
आप मेरे गुरुदेव को भी दर्शन दे दो। नहीं, आपके गुरु के अंदर वो पात्रता नहीं है कि मेरा दर्शन मिल सके। प्रभु के चरणों में लिपट गया। नहीं, आज यदि मुझे आपका दर्शन मिला है तो माध्यम तो यही बने ना, सामग्री तो हम यहीं से लाते थे। और जैसे ही गुरुदेव को राम दरबार दिखाई पड़ा, शिष्य को गले से लगा के रो श्रोताओ, वो खाली खाते ही नहीं है, वो सरल है, सहज है। तो ज्यादा खाने वाले भी कई बार सरल होते हैं, ऐसा नहीं है। जड़ भरत जी भी हमारे सरल हैं, जितना मिल जाए उतने पा लेते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, और ना मिले तो कोई समस्या नहीं। लेकिन मिल गया तो ठीक है, ना मिले तो ठीक है। माता पिता का शरीर शांत हुआ, भाई लोग देवियों कहने पर इनसे कार्य करवाते हैं। क्या कार्य करवाना है? बेचते हैं खेत में, पक्षी फसल नुकसान कर देते हैं। इनके दृष्टि में कोई अपना खेत है ना, पड़ोसी का, सब कुछ राम का है। राम की चिड़िया राम का चुगलो, चिड़िया भर भर। अब प्रश्न यह होता है कि जब सब कुछ राम का है तो यहां अपना घर है कि राम जी का है? महाराज अब मेरे घर तो आते नहीं। अरे कभी एक बार तो कह दो अपने घर आ जाओ। जब उस घर कोई कह रहे हो मेरा घर कभी नहीं आते हो, मेरे घर कब आओगे? कभी नहीं आएंगे। कथा सुट के अपने घर जाते हो, पड़ोसी के जाते हो, कहां भागते हो? दुकान से निकल के कहां भागते हैं? सीधे घर। तो साधक को बुलाना तो साधक से कहो ना, आपका ही तो घर है, आओ ना। मेरे घर कब आओगे? कभी नहीं आएंगे। क्यों आए आपके घर? यही तो साधक आपका भाव देख रहा है, आपका प्रेम देख रहा है, बोल क्या रहे हो? उनकी दृष्टि में सब कुछ प्रभु का है। डाकुओं का सरदार नरबलि के लिए किसी व्यक्ति को पकड़ा था, वो छूट गया, इनको ले गए। कहां ले जा रहे हो, क्यों ले जा रहे हो, कोई मतलब नहीं। बलिदान की तैयारी हुई, भगवती भद्रकाली के विग्रह से विस्फोट, दुष्टों का संहार, भक्त की रक्षा। सिंधु नरेश राजा रहुगण ज्ञान प्राप्ति के लिए जा रहे थे, पालकी ढोने वाला एक सेवक बीमार पड़ गया, बोले जाओ कोई मिले तो पकड़ लाओ, और कोई नहीं मिला, यही महात्मा जी मिल गए। कंधे पर पालकी रख दिए, पालकी ऊपर नीचे होती है, क्यों? जब मार्ग में चलते हैं तो नीचे की ओर देख के चलते हैं। दृष्टिपूतम निषेध पातम, वस्त्रपूतम पिवेत जलम, सत्यपूतम बधेत वाच्यम, मनःपूतम समाचरेत। भगवान कहते हैं जब मार्ग में चलो आपकी दृष्टि नीचे की ओर होनी चाहिए, कहीं आपके पैर के नीचे कोई छोटे मोटे जीव जंतु दब न जाए। हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो जीवन लेने का भी अधिकार नहीं है। जल हमेशा छान के पियो, शब्द का प्रयोग वही करो जो शब्द स्वयं के लिए अनुकूल हो। जो शब्द स्वयं के लिए अनुकूल ना हो वो कभी दूसरों के लिए मत करो। सारा खेल वाणी के ही तो है, और क्या है? वाणी ही गले में हार पहनाती है, और वाणी ही गले में फिर रस्सी भी लटकवा देती है। हार भी वही है और फंदा भी वहीं से आता है। अब ये हमारी अब की वाणी के कमाल है, हम क्या करते हैं? रहुगण जड़ भरत जी को डांटते हैं, क्यों डांटते हैं? एक सेवक को दंड हो तो उसको देख करके बाकी के भी दंड हो जाए। मृत्यु दंड का, राजदंड का भय दिखाए कोई असर नहीं। लेकिन प्रश्न यहां यह होता कि ये यहां बोल पड़े, माता पिता के कहने पर नहीं बोले, गुरुदेव के कहने पर नहीं बोले, लेकिन आज बोल पड़े। क्यों? ये जो रहुगण है पहले जन्म का मृग का बच्चा था, उसको गोद में खिलाए,
आज कंधे पर ढोए, वो संस्कार इनके जागृत हो गए। उन्होंने कहा, पगले तू पीसे हुए को क्या पीसेगा, मरे हुए को क्या मरेगा, जो मेरा स्वरूप है उसको तो दंड दे नहीं सकता, और जो मेरा स्वरूप नहीं उसको पीटता रहो, क्या अंतर पड़ेगा। शरीर को कोई चोट पहुंचाए तो आत्मा को कष्ट तो होता है ना। अच्छा, कई बार लोग कहते हैं, अमुक व्यक्ति महाराज मेरी आत्मा को इतना कष्ट दिया है, मेरी आत्मा को इतना कल्पाया है कि मैं इसको कभी माफ नहीं करूंगी या माफ नहीं करूंगा। अरे पगले, आत्मा को कौन कल्पा सकता है, रोया तो शरीर, आत्मा कहां रो रही तुम्हारी। आत्मा तो शिव पृथक है, आत्मा तो भगवान का अंश है, उसको कौन रुला सकता है और कौन कल्पा सकता है। लेकिन बोलते क्या क्या शब्द है, भगवान के परम भक्त जड़भरत ने कहा, पगले तू एक बात बता, दंड देने की बात करता है, किसको दंड देगा तू। वो बात कर रहा है जड़भरत को, जड़भरत कहते हैं कि मैं हूं ही नहीं। एक और समस्या है, आप जो दिख रहे हो वो नहीं हो, जो नहीं दिख रहे आप वो हो। जो दिख रहे हो आप नहीं हो, जो नहीं दिख रहे हो आप वो हो। जैसे दिख रहा है शरीर, ठीक, क्या दिख रहा है, शरीर, और ये शरीर मिट्टी का पुतला है, इसको मिट्टी में मिल जाना है, तो दिखता शरीर है, शरीर को हम सब कुछ मानते हैं, लेकिन हमारा आपका जो आत्मस्वरूप है वो किसी को दिखाई पड़ता है क्या। तो आपका जो स्वरूप है वो तो आप देख नहीं पा रहे हो, और जो आपका स्वरूप नहीं है उसको देखकर उसके पीछे अहंकार कर रहे हो, ये कहां की समझदारी है। लेकिन ये शरीर आत्मा दोनों अलग कब होंगे, एक होते हुए अलग हैं और अलग होते हुए भी एक। कैसे, यदि आपकी इंद्रियों का मुख विषयों की ओर है तो आत्मा शरीर एक है।